यो चाय पी ली, ड्रोन शॉट भी ले लिया। ओहो क्या व्यू आया भाई, पहाड़ी पहाड़ लेफ्ट राइट। जैसे मैंने बाइक रोकी ना तो एकदम से दो तीन लोग आ गए सामने से और कहते हैं अरे सर हमने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, एक्सप्लोरर वाले भैया। मैंने कहा हाँ जी, ये अपने भाई लोग हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली है। अच्छा लगा यार इन लोगों से मिलके। Welcome back to my channel. This side आपका host, आपका अपना दोस्त explorer सराज। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ निकल गया एकदम सुबह सुबह। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं अभी नहीं निकला, मैं एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग निकल गया था। अभी टाइम हो रहा है 7:30, मैं 5 बजे निकल गया था। और आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे ना यार कि व्लॉग नहीं आ रहे, बाइक को मॉडिफाई कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो मैंने लास्ट मंथ बाइक ली थी, अब ये दिसंबर का मंथ है, तो अभी अपनी मिस्टर ग्रीन को हम फुल टेस्ट करने वाले हैं। और मैं आज निकला हूँ राइड पे, और जहाँ निकला हूँ वो है राजस्थान। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान, और राजस्थान में मेन जयपुर जा रहा हूँ। मैं आपको मिस्टर ग्रीन दिखाता हूँ फुल टूरिंग में कैसी लगती है ये, तो अभी दिखाता हूँ आपको। एक मिनट पहाड़, जयपुर के राजस्थान के पहाड़। अभी जस्ट मानेसर क्रॉस करा है सुबह में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकल गया था, अभी 7:30 हो रहे हैं। और मैं हूँ ओल्ड राव होटल पे, ये आप देख सकते हो ओल्ड राव। और ये हमारी मिस्टर ग्रीन देख सकते हो यार कैसी लग रही है यार। अयो इधर हमने खाने वाने का सामान खा लिया है, और मैंने डबल ग्लव्स पहन रखे हैं ठंड से बचने के लिए, मतलब काम चल जाएगा। मिस्टर ग्रीन देख सकते हो आप कैसी लग रही है, ठंड सी हो रही है और जुकाम लग गया भाई। एक तो डायरेक्ट मुंह पे हवा पड़ती है ना, तो बस अभी निकलते हैं इस लोकेशन से। जस्ट मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया है, अभी आप देख सकते हो 150 किलोमीटर और है, 1 घंटे का सफ़र और है। देखते हैं कितनी देर में करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:47 और अब हम चल पड़ते हैं। और पहाड़ हमें दिखने शुरू हो गए हैं, राजस्थान वाले पहाड़, हरे भरे थोड़े मिट्टी वाले मिक्स। फर्स्ट टाइम अपनी डोमिनार की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि यार कैसा परफॉर्म करती है ये लॉन्ग टूरिंग के लिए। तो जिसके लिए हमने बाइक ली थी, तो मतलब फर्स्ट राइड होने वाली है हमारी मिस्टर ग्रीन के साथ। अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया गया है, आधा सफ़र और रह गया है, बस वो भी बढ़िया तरीके से जाए। और ये रास्ते ये जो बना रखे होते हैं ना भाई, इसमें बाइक ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और पीछे मैंने अभी इसमें क्या है, अभी अपने सैडल से के साथ सैडल बैग्स लगा रखे हैं, जिस वजह से ना अभी थोड़ा इसको आइडिया लगाना पड़ रहा है कि बाइक अब थोड़ी सी ब्रॉड ज़्यादा हो गई है। तो अगर पहले जो मैं कटिंग ले लेता था ना दाएं बाएं से, अब वो सोच समझ के लेना पड़ रहा है कि भाई कोई नहीं सीधा सीधा चलो। छील दिया पूरा रोड भाइयों। ये देखो सामने आप देख सकते हो, ये देख रहे हो ये भूसा भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है। और ये देखो पूरा आधे से आधा रोड ब्लॉक करके चल रहा है, ये तो फिर भी छोटा है, इससे बड़े बड़े देखे पूरा रोड भर के। और इससे पता है यार एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था अभी गाड़ी पीछे से आ रही थी और जस्ट मतलब दो भूसे वाले ऐसे रोड पे पूरा रोड ब्लॉक करके चल रहे थे। एक भूसे वाले ने हल्का सा आगे लिया और गाड़ी वाले ने एकदम से जैसे ही टेक लिया उसने ब्रेक मार दी। तो मतलब ना बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाती है, तो इनसे थोड़ा सा दूरी बना के चले। तो पता है यार जब भी आप रुकते हो ना बाइक और उसके बाद स्टार्ट करते हो तो ठंड लगती है। अभी मेरे को बड़ी खतरनाक वाली ठंड सी लग रही है। जब सुबह चल रहा था ना, जब तो नॉर्मल था क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चल रही थी, तब पता नहीं लग रहा था। और जैसी गाड़ी रोकी थी उसके बाद से तो भाई साहब अब तो एकदम कपकपी सी छूट रही है भाई, एकदम कपकपी। बस हम जा रहे हैं जयपुर, अभी दीदी और भी आ रहे हैं क्योंकि ये फैमिली ट्रिप हो रहा है। फैमिली ट्रिप ऐसे मैं सोलो निकल गया हूँ भाई, अकेला एकदम, बाइक पे सैडल बैग्स वगैरह लगाया और निकल गया। दीदी वगैरह भी आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है जयपुर में फंक्शन है, एक फैमिली मासी ने क्या है अभी नया घर लिया है तो उनका इनॉग्रेशन है, और मिल भी लेंगे यार काफ़ी टाइम बाद। मतलब ऐसे ना पहले गर्मियों की छुट्टियों में ही जाया करते थे, ऐसा होता था सिर्फ गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी तो मम्मी हम सबको लेके बस में बैठ के हम जाते थे सीधा जयपुर। पर अब ऐसा हो गया है कि दीदी और आ रहे हैं गाड़ी में, पापा पहुंच चुके हैं पहले, अब मैं अकेला जा रहा हूँ जयपुर। मतलब देख रहे हो डेडिकेशन, सब ट्रैवलर बन गए हैं। वीडियो यहाँ तक देख लियो और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाइयों, शेयर करना भाइयों, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फटाफट से
रास्ते पे और फोकस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में अपने को कवर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर, बोले तो एक नंबर। ओके भाई जी, चलो ओके। ऐसे ही मैंने बाइक रोकी ना, तो एकदम से दो तीन लोग आ गए सामने से और कहते हैं, अरे सर हमने आपको सब्सक्राइब कर रखा है। तो एकदम कहते हैं, अरे एक्सप्लोरर वाले भैया। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा लगा यार, इतने लोग मतलब अपने को जानते हैं। अब राजस्थान में आते के साथ ही लोग जानने लगे कि अपने भाई लोग हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली है। अच्छा लगा यार इन लोगों से मिलके। इस मेहनत के लिए ना प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो आप कैसी जगह पे जाके एकदम चुपचाप ड्रोन उड़ाया मैंने, हाईवे पे आपको व्यू दिखाया है, बहुत बढ़िया। और देखो यार पहाड़ कितना गजब लग रहा है यार। चाय पीने का मन सा कर गया यार, पूछते हैं चाय है कि नहीं। भैया चाय बन जाएगी, एक कड़क चाय बना दो यार। सो भाइयों, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करने का बहुत ज़्यादा खेद है, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक प्रोडक्ट आया था रिव्यू के लिए, जिसका नाम है निया। तो आप ये देख सकते हो निया प्रोडक्ट है, और इसकी पैकेजिंग के अंदर आता क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। इसके अंदर है एक स्किन केयर फेस वॉश, एंड सेकेंड चीज़ जो है वो है एक मॉइस्चराइजर। तो ये जो मॉइस्चराइजर है वो आपको पता है क्या काम करता है, सर्दियों में जो आपको धूप पड़ती है, धूप से आपकी स्किन को बचा के रखेगा। इसके अंदर सनस्क्रीन SPF 50 है, और साथ साथ ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, ड्राई होने से बचाएगा, कोई भी पिंपल से डर्ट से और ड्राई नहीं होने देते, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस की दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है तो आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, उसके साथ में एक मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि निया की तरफ से ही है। इस प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अभी आप जाके वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। यो चाय पी ली, ड्रोन शॉट भी ले लिया, और अब चलते हैं आगे की ओर। भाई पहाड़ी पहाड़ लेफ्ट राइट, और ये बड़े बड़े ट्रक थोड़े से हटेंगे तो अपने को व्यू दिखेगा अच्छा अच्छा और ये देखो भाई गजब। अभी हम जयपुर सिटी में एंटर हो चुके हैं, देख सकते हो लेफ्ट राइट आपको बड़े बड़े घर दिख रहे होंगे, और ये है जयपुर सिटी। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं, 12 किलोमीटर रह गया है, ये फटाफट से लोकेशन पे पहुंचते हैं। सो ये लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, और अभी बस फोन करना है। नमस्ते, कहाँ हो? हम दादी के। दादी के नए वाले, नए वाले घर नहीं हो? नए वाले घर पे हो? हाँ तो नीचे तो आओ। हाँ पापा, कहाँ पर हो? घर के बाहर खड़ा हूँ नए वाले पे। अच्छा अच्छा, क्या बन के घूम रहा है? हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। इतना बड़ा हेलमेट होता है किसी का? जितनी बड़ी बाइक उतना बड़ा हेलमेट। ये देखो आते ही उंगलीबाजी करनी शुरू हो गई। वो भाई वो लग रहे ना गोरे। मासी कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। तो ये प्रॉपर राजस्थानी लुक में आप मौसी को देख सकते हो। दीदी भी आ गई अब घर से, थोड़ा सा लेट हो गई, और ये थोड़ा घर है, तुम भी आ गए, और ये तो दो दिन पहले ही आ गए थे।
यार अभी आपको घर दिखाता हूँ। ये है मौसी का रूम, ये तेरा थोड़ी, और यहाँ पे है बढ़िया सी ये गैलरी बालकनी कुछ भी बोल सकते हो आप। खाने की सूझ रही है, ये है दूसरा रूम, नीचे वाला शीशा मेरा है ना क्योंकि। ये है आपका भाई एक्सप्लोरर सारा, आज इतना थका हुआ क्यों बोल रहा है। यहाँ पे अच्छी आरती, तो मैंने सोचा यहाँ भी एक वीडियो बना लेते हैं। बस बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट बंद तो कर दे। लाइट ही बंद कर दे। सो ये रहे हमारे मामा, कैसे हो? बहुत बढ़िया, चलो कुछ खा के आते हैं। एक नंबर सॉल्ट पेपर लोग। ये आ गई डिंकी, ये हमेशा इसी कपड़ों में दिखती है, ये हमेशा इसी कपड़ों में दिखती है। और ये भी हम हमारी तरह पतली हो गई है अब एकदम, सिक्स पैक है। ये किचन एरिया है, और ये फ्रिज खुलेगा कहाँ से? ये कहाँ से खुलेगा ये? अच्छा ये ऐसा सब कुछ खुला है, ओ ऐसे। तो ये मॉड्यूलर किचन है, आप देख सकते हो जैसे हम डिजाइन करते हैं। ये चिमनी है, ये है तीसरा कमरा जिसकी लाइट्स बंद है, और ये देख सकते हो ये हमारा सामान रखा है इधर, कैमरे हमें सब सेफ इस जगह पे। और ये यहाँ पे हमने अपनी राइडिंग जैकेट्स वगैरह रख दी, ओहो खुलते के साथ ही बाहर आ जाएगी, इसको बंद ही रहने दो, बंद ही रहने दो भाई। पूरे घर में धुआं धुआं सा हो गया, आंखों में नहीं लग रहा। भैया इधर खाना बनाने की तैयारी, क्या ये खीर? ये तो रायता है, रायता में पानी डाला जा रहा है, आंखों में चुभरा बिल्कुल, मतलब आंसू आ रहे हैं एकदम। सो भाइयों फाइनली अभी हम खा के आ गए हैं छोले भटूरे, और पेट भर गया है। बेटा ये क्या था? मुझे भी ऐसा लग रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? नाक निकल रही है आपकी। आ जाओ, ये देखो एक और आ गया, ये देखो ये कौन है? ये पागल बच्चा है। पागल बच्चों को क्या बोल दिया? अबे अबे भाई इनकी लड़ाई देखो, ये देखो क्या खड़ा, कौन सा पा? हैंड्स अप, क्यों करूं हैंड्स अप? पानी चला दूंगा। पानी चला देगा चाटा? ओए सारी शैतानी तू ही कर रहा है यहाँ पे, ये क्या मुंह से पोछ रहा है? ये क्या, ये कर क्या रहा है ये तो बताओ मुझे। पोछा लगा रहा है अपने मुंह पे, मुंह पे पोछा लगा रहा है, और है क्या चीज ये? टिश्यू है। भाइयों अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं, और खाने का टाइम हो चुका है, ये भी उठ गया है। उठ जा ब्रो, हेलो हाय व्हाट्स अप ब्रो, यीशु भी उठ गया है एक नंबर। तो अभी प्लान ये है कि फटाफट से भाई रेडी वगैरह होंगे, नीचे टेंट वगैरह रख गया है, खाना वाने का इंतजाम हो गया, तो फटाफट से खाएंगे और फिर दोबारा सो जाएंगे, क्योंकि थक गया बहुत ज़्यादा, एक्टिव हो गया। जब मैं रास्ते में आया दिल्ली से जयपुर, तो भाई धूल मिट्टी तो लगी, और उसके बाद में फिर जो धुआं लगा पूजा वाला, आँखें एकदम जल रही है भाई, अभी भी जल रही है, अभी भी लग रही है आँखों पर, है ना इशू लग रहा है आँखों पर? आँखों पर अभी भी लग रही है ना मिर्ची? फटाफट से तैयार वगैरह हो गया, फिर खा के फिर अपडेट देते हैं। तो इधर हम हो गए हैं तैयार, जैकेट वैकेट पहन ली, और शूज वगैरह आप देख सकते हो। सो बस रेडी टू खाना पीना, यह शुरू हो चुके हैं चाउमीन, चाउमीन चाउमीन तुरे मिक्स कर लिया, पास्ता मिक्स चाउमीन पास्ता। जीजू खा रहे हैं चीला, चीला चीला खा रहे हैं, एंड सांभर वड़े का, ओनली सांभर। हमारे हमें हर चीज में कस्टमाइजेशन चाहिए, सिर्फ सांभर का, सिर्फ सांभर। तुम्हारे कहाँ से लाए? कौन सी जगह से लाए? तेरे पीछे ही है। चाउमीन, चाउमीन तो वो देख फर्स्ट वाला, वो बच्चे ले रहे। तो यहाँ हमारी नानी की तबीयत खराब हो रखी है, तो उनको अभी खाना वाना सब पाइप के थ्रू ही जाता है, ये पाइप लग रहा है। एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। मतलब वो होता ना एक इमेज बनी होती है, तो मेरे दिमाग में वही इमेज बनी हुई थी कि एकदम काम को फटाफट कर देना, और ये एक्टिव जैसे कुछ भी सामान लाना है फटाफट से जाके ले आए। रोटी बनाना मुझे नानी ने सिखाया था बचपन में, पहली रोटी, तो मतलब वो सब टाइम सोचता हो तो सोच ऐसा लगता है कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है भाई। आपको नहीं पता आज के 5-6 साल बाद आप कहाँ होंगे, तो बस आज में रहो, आज खुश रहो,
फ्यूचर की देखी जाएगी, फ्यूचर की तो ज़्यादा बस सोचो आज बढ़िया तरीके से। तो यार अभी कुछ वीडियो बनाने को मन नहीं कर रहा, तो बस अभी हैंड करते हैं।